अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम जूनियर असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कल यानी कि 26 नवंबर 2023 पे हेल्ड हुआ फॉर हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे जो है हम इसके रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन जो है वो 80 पूछे गए हैं और जो आपका टाइम दिया गया था फॉर द पेपर दैट्स 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी यहाँ पे हेल्ड होने वाले थ्रू जेके एसएसबी लाइक वीएलडब्ल्यू फॉरेस्टर एफएए और स्टॉक असिस्टेंट और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं जेके पीएससी के या स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम विद आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो 80 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया गया जा रहा है, क्या पूछा गया है। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्चर ऑफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। यहाँ पे बताया जा रहा है फुली फ्लेज्ड हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्चर फॉर जम्मू एंड कश्मीर कब एस्टैब्लिश हुआ, किस साल में। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए थे 1925, 1926, 1927 और 1928। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और यहाँ पे आप लास्ट में बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते थे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1928 में यहाँ पे फुली फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड ऑफ जुडिशरी कौन होता है जे एंड के में, जे एंड के लद्दाख में। ऑप्शंस बताए गए हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ऑप्शन बी इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन डी इज डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यहाँ पे हेड ऑफ द जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे, ऑप्शन आर आगा सैयद हुसैन, लाला कंवर सेन, राय बहादुर और नन ऑफ द एबो और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाला कंवर सेन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया, हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहली वुमेन जज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख बताना है, बतानी है जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जज बनी। ऑप्शन आर जस्टिस सिंधु शर्मा, ऑप्शन बी इज जस्टिस रूमा पाल, ऑप्शन सी इज जस्टिस गीता मित्तल एंड ऑप्शन डी इज जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस सिंधु शर्मा वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है आज के चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट के। ऑप्शन आर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस एन कोतस्वर सिंह, ऑप्शन सी इज जस्टिस प्रसाना बी वराई एंड ऑप्शन डी इज जस्टिस आशीष जिंद्रा देसाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जस्टिस एन कोतस्वर सिंह चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द कंटेस्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहली मद स्पेसिफिकली रेफर टू। कोर्ट के कंटेस्ट में या कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कोर्ट प्रोसीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में अहली मद का जो मतलब है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शंस पहले हम डिस्कस करते हैं, ऑप्शन ए इज प्रोसेस सर्वर, ऑप्शन बी इज लीगल क्लर्क, ऑप्शन सी इज एक्सपर्ट विटनेस और ऑप्शन डी इज पियान। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लीगल क्लर्क, यहाँ पे कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अहली मद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है फाइनेंशियल मैटर कौन यहाँ पे हैंडल करता है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ऑप्शन आर नाजिर, स्टीनोग्राफर, अहली मद और प्रोसेस सर्वर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाजिर हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्राइमरी फंक्शन क्या होती है, ऑप्शन आर एडजुकेट क्रिमिनल केसेज, ऑप्शन बी इज हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, ऑप्शन सी इज डील विथ केसेज इन्वॉल्विंग माइनर्स और ऑप्शन डी इज कंडक्ट लीगल रिसर्च। इसका जो राइट आंसर है दैट्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्राइमरी फंक्शन इज डील विथ केसेज इन्वॉल्विंग माइनर्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु इज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इनमें से जज है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ऑफ सॉरी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन आर जस्टिस विनोद चटर्जी, ऑप्शन बी इज जस्टिस अक्रम चौधरी, ऑप्शन सी इज जस्टिस ताशी रबिस्तान एंड ऑप्शन डी इज जस्टिस मोक्षा खजुराई काजमी। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्टिस ताशी रबिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। ऑप्शंस आर
अल्टरनेटिव डायरेक्ट रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी इज एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी इज एडवांस डिस्प्यूट रिसेटलमेंट और ऑप्शन डी इज एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो कोर्ट के हाई कोर्ट के यहाँ पे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन और उसके बाद हम जनरल नॉलेज पे आ जाएंगे। जनरल नॉलेज के बहुत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आने वाले इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ये भी ये सभी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन वाज यूज इज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, ऑप्शन सर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। यहाँ पे बोला गया वैलिड स्टोरेज टाइप इनमें से कौन है, ऑप्शन आर UPS, कीबोर्ड, पेन ड्राइव और ALU। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, ईजी सा क्वेश्चन है, पेन ड्राइव इज द वैलिड स्टोरेज टाइप इन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ डैश मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस। एक मॉड्यूल जो है, कौन सा वो मॉड्यूल है, जो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है स्पोकन वर्ड्स को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में, टेक्स्ट में, दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस। इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल स्कैनर एंड वॉइस ग्राफ एडाप्टर। इसको आप डेली यूज़ में लाते हो अपने, चाहे कहीं भी सर्च करना होगा तो थ्रू आप वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉइस रिकॉग्निशन इज अ मॉड्यूल, वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स इनटू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डज द एक्रोनियम GPT स्टैंड्स इन ChatGPT। ChatGPT इज एन AI, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें एक GPT आता है, GPT सिस्टम, ये क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन आर जनरेटिव प्री ट्रेनर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इज जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी इज जनरल प्री ट्रेनर ट्रांसफार्मर और जनरल, ऑप्शन डी इज जनरल पर्पज टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट जनरेटिव प्री ट्रेनर ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज Which of these computer language do we use in artificial intelligence? यहाँ पे हम artificial intelligence में कौन सी computer language use करते हैं? Options are Prolog, Fortran, Cobol और C. इसका जो right answer है, that's option number A. That is Prolog is a computer language that we use in artificial intelligence. Question number 16 पूछा गया है, Dash is the computer program that would convert an assembly language to the machine language. ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कंपरेटर और असेंबलर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स असेंबली। असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन एम एस एक्सेल। जब हम एम एस एक्सेल में एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम प्रेस करते हैं एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, तो कौन सा यहाँ पे एक्शन होता है? ऑप्शन आर द टास्क मैनेजर विंडो ओपनर्स, ऑप्शन बी इज ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम आर एडेड, ऑप्शन सी इज ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सेलेक्टेड कॉलम एंड ऑप्शन डी इज ए न्यू वर्कशीट इज एडेड टू द वर्कबुक। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सेलेक्टेड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10। यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है स्विच, आपस में स्विच करने को जो ओपन एप्स होंगी डेस्कटॉप पे विंडोज 10 में, तो वो कौन सी शिफ्ट, वो कौन सी शॉर्टकट? ऑप्शन आर शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन प्लस, ऑप्शन बी इज शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी इज आल्ट प्लस टैब एंड ऑप्शन डी इज आल्ट प्लस शिफ्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज वी यूज आल्ट प्लस टैब कंट्रोल की और शॉर्टकट की टू शिफ्ट बिटवीन ओपन एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट राइटिंग ईमेल्स। राइटिंग ईमेल्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है? ऑप्शंस आर वी कैन नॉट एड मोर देन वन एड्रेस टू इन द टू फील्ड, ऑप्शन बी इज वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक, ऑप्शन सी इज वी कैन लीव द CC फील्ड ब्लैंक एंड ऑप्शन डी इज द टू एंड CC फील्ड्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंडिंग और राइटिंग ईमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। यहाँ पे कौन आइकन यूज होता है एड करने के लिए अटैचमेंट कोई फाइल ईमेल के साथ? ऑप्शन आर स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, गिफ्ट आइकन और इमोजी आइकन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स पेपर क्लिप आइकन इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो जो डेली यूज में हम लाते हैं चीज़ें वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं बेसिक से। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का एग्जामिनेशन एग्जांपल आपको बताना है। ऑप्शंस आर लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और A4। इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता होगा, पेज ओरिएंटेशन की एग्जांपल्स लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है। तो यहाँ पे लैंडस्केप दिया गया तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डेस्ट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन आर एप्लीकेशन, कंपाइलर, सिस्टम और प्रोग्रामिंग। तो इसका जो राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, व्हाट इज गुटर मार्जिन, गुटर मार्जिन क्या है? तो ऑप्शन आर मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन बी इज मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन सी इज मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, एंड ऑप्शन डी इज मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुटर मार्जिन इज द मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड, जो इंटरसेक्शन एरियाज होते हैं रोज एंड कॉलम्स में स्प्रेडशीट के उसे क्या कहते हैं? तो वर्ड से सारी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे और ईमेल से। ऑप्शंस बताए गए हैं बॉक्स, सेल्स, लाइन और नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विथ, यहाँ पे एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? ऑप्शन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए दैट्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से जीके का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है 25 क्वेश्चन से। यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से भी पूछे गए, 10 यहाँ पे हाई कोर्ट्स रिलेटेड पूछे गए, हाई कोर्ट और कोर्ट्स के रिलेटेड पूछे गए, और बाकी जो यहाँ से जो है जीके के रिलेटेड पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीके से, द थीम ऑफ इंडिया G20 समिट 2023 है। आपको पता है G20 कि जो समिट हुई 2023 में उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को थी, और J&K में भी, श्रीनगर में SKICC में भी इसकी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, 3-day मीटिंग चली थी। तो यहाँ पे जो है एक बिजनेस मीटिंग यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसका थीम क्या था 2020 का? ऑप्शंस दिए गए हैं अहिंसा परमो धर्मा, ऑप्शन बी इज प्रवासी लोका अनुरागा कर्ता, ऑप्शन सी इज अयम बंधुरायम नीति, एंड ऑप्शन डी इज वासुदेविया कुटुंबाकम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज वासुदेवा कुतुम बयाकम। तो उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑप्शन आर ब्रुसेल्स, इंडिया, जेनीवा और नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है बताया यहाँ पे जो बनता है दैट इज नन ऑफ द अबव। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे G20 का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इसका नन ऑफ द अबव, इन दिनों में कोई यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर नहीं है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज हु रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023 में, यहाँ पे नोबल पीस प्राइस किसको मिला? ऑप्शन आर जॉन फॉसी, ड्रेव वाइजमैन, नारगिस मोहम्मदी और क्लाउडिया ग्लोडिन और गोल्डिन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज नारगिस मोहम्मदिया को 2023 का नोबल पीस प्राइस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनता है, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट वॉज हेल्ड एट, जो 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पे हेल्ड हुई? ऑप्शन आर जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी श्रीनगर J&K, ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी इज हैदराबाद तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज श्रीनगर J&K में यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीटिंग हुई थी यहाँ पे J&K में, ठीक है, 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू 75 रुपी कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इट कंसिस्ट एन इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवानगिरी। यहाँ पे बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ने एक लॉन्च की एक कॉइन 75 रुपीज़ की कॉइन, शायद आपने सुना भी होगा, जिसपे नई बिल्डिंग जो पार्लियामेंट की वो मार्क की गई, और इस पर एक इंस्क्रिप्शन भी है जो देवानगिरी में लिखी गई। तो कौन सी इंस्क्रिप्शन इस पर लिखी गई है? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज ऑप्शन आर सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी इज अहम ब्रह्म समी संसद संकुल और वासुदेविया कुटुंबकम। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज संसद सर्कुल इज द इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द 75 रुपी कॉइन इंट्रोड्यूस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड ऑन दैट द मार्क ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिंटेड, ठीक है, वहाँ पे मार्क की गई है नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज हु प्रेजेंटेड सिंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे किसने सिंगोल इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को प्रेजेंट किया? ऑप्शन आर लॉर्ड माउंटबैटन, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज लॉर्ड माउंटबैटन ने सिंगोल यहाँ पे प्रेजेंट किया इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को, जवाहरलाल नेहरू को। माउंटबैटन कौन थे? वो यहाँ पे लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबैटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच स्टेट इज माटी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली, यहाँ पे कौन से स्टेट के माटी बनाना को GI टैग मिला रिसेंटली? ऑप्शन सर गुजरात, तमिलनाडु, J&K और कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट तमिलनाडु के माटी बनाना को रिसेंटली GI टैग मिला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 इज विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन यूटी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे यूटी ऑफ लद्दाख में कौन सा रामसर साइट, कौन सी रामसर साइट लोकेटेड है। ऑप्शन आर लोकतक लेक, शालबुक वेटलैंड, सोकर और डल लेक। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोकर लेक इज अ रामसर साइट लोकेटेड इन यूटी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मिशन मून मिशन चंद्रयान 3। यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3 के। ऑप्शन आर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी इज एस सोमनाथ, ऑप्शन सी इज ऋतु करदियाय श्रीवास्तवा एंड ऑप्शन डी इज पी वीरा मुथीविल। ठीक है, पी वीरा मुथीविल। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पी वीरा मुथीविल इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया, विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3। कौन सा लॉन्चर यहाँ पे यूज़ किया गया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। ऑप्शन आर GSLV, LVSM, GSLV MK3 एंड ऑप्शन डी इज PSLV। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज GSLV इज द लॉन्चर यूज्ड फॉर चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सुमित्री निर्मला श्रीमती और सुमित्री निर्मला सीतारमन आउटलाइनड 7 प्रायोरिटीज इन द यूनियन बजट 2023 कॉलिंग इट डैश दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृत काल। ऑप्शन आर सोईमया, आत्मनिर्भर, सप्तराशी और सप्तराशी और ऑप्शन डी इज संपरादा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है, दैट इज सप्तऋषि। सप्तऋषि एक यहाँ पे सेवन प्रायोरिटीज ऑफ आर यूनियन बजट 2023 के लिए, जिसको सप्तऋषि कहा गया बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया, विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज स्टेट बर्ड ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख का जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा रिकॉग्नाइज किया गया है इनमें दिए गए बर्ड्स में। ऑप्शन सर खलीज पीजेंट, ऑप्शन बी इज ब्लैक नेकेड क्रेन, ऑप्शन सी इज पासर डोमेस्टिकस, ऑप्शन सी इज एसिपीटर जेंटिलिस। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लैक नेकेड क्रेन इज रिकॉग्नाइज्ड और हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द स्टेट बोर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, अब्राहिम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइनड बिटवीन। यहाँ पे अब्राहिम अकॉर्ड यहाँ पे किस एग्रीमेंट को दिया गया और जो साइन यहाँ पे किन के दरमियान हुआ ये बताया जा रहा है। ऑप्शन आर इसराइल, फलस्तीन और इजिप्ट, ऑप्शन बी इज इसराइल, यूएई एंड इंडिया, ऑप्शन सी इज यूनाइटेड स्टेट्स फलस्तीन एंड इसराइल एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड स्टेट्स यूएई एंड इसराइल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स यूएई एंड इसराइल के दरमियान यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, जिसे हम अब्राहिम अकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ECS अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा रिसेंटली सिक्स टू रिमूव डैश फ्रॉम द पैनल टू सेलेक्ट द CEC एंड CECS दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी इसके ऑप्शन जो बनते हैं दैट्स ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑप्शन सी इज ए नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 इज डैश इज द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड हाइएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। ऑप्शन आर डल लेक, पेंगोंग लेक, रूपकुंड लेक और सोमरोरी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, जो पेंगोंग लेक है इसको यहाँ पे कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन यहाँ पे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। यहाँ पे ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पूछा गया है क्या है। तो ऑप्शन आर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऑप्शन बी इज नारी सेवा वंदन एग्रीमेंट, ऑप्शन सी इज नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ऑप्शन डी इज नारी शक्ति विजय एक्ट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 इज द आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन। जो आदित्य L1 मिशन था, जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन क्लास सोलर मिशन है, वो लॉन्च कब हुआ। ऑप्शन आर सेप्टेम्बर 2nd 2023, ऑप्शन बी सेप्टेम्बर 9 2023, ऑप्शन सी इज सेप्टेम्बर 2nd 2023 और 2022 एंड ऑप्शन डी इज अक्टूबर 2nd 2023। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेप्टेम्बर 2nd 2023 पे आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 43 इज हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। यहाँ पे कौन सी फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन बनी यहाँ पे जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला। ऑप्शन आर दीपिका मिश्रा, ऑप्शन बी इज गीता राणा नेगी, ऑप्शन सी इज भवाना कंत एंड ऑप्शन डी इज अवानी चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दीपिका मिश्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वोमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, सीबीआई का डायरेक्टर जनरल कौन है इंडिया का। ऑप्शन आर ए के सूद, ए के झा, प्रवीण सूद और प्रमोद कुमार। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रवीण सूद इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बताया जा रहा है, इसमें आपको मैच करना है यहाँ पे ऑप्शंस के साथ, अपने करेक्ट ऑप्शंस के साथ। सबसे पहले इसमें यहाँ पे डॉक्टर रवि कनान बताया जा रहा है। डॉक्टर रवि कनान कौन थे, डॉक्टर रवि कनान को सबसे पहले यहाँ पे जो है डॉक्टर रवि कनान है जो है इसको रहमान मैगेसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे सुधा मूर्ति बताया गया है, सुधा मूर्ति यहाँ पे ग्लोबल इंडियन अवार्ड इसको मिला था, सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को मिला। उसके बाद दना जया वाई चंद्रचूड़ जो है ये कौन है, इसको यहाँ एक ग्लोबल लीडरशिप इसको मिली। और नंबर 4 उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जो है ये बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन में से है, यहाँ पे इसको एक टाइटल दिया गया दैट इज़ बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 हु वाज़ द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली। यहाँ पे 74th रिपब्लिक डे पे जो 2023 में हुआ है, यहाँ पे 74th रिपब्लिक डे था इंडिया का, वहाँ पे जो है चीफ गेस्ट कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर, सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आर अब्दुल फतेह अल सीसी जो यहाँ पे इजिप्ट का पीएम है, उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जयाद, ऑप्शन सी इज तमीम बिन हमाद अल थानी एंड ऑप्शन डी इज मोहम्मद बिन सलमान। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बताया जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको इनमें से रॉन्ग जो स्टेटमेंट है ऑप्शन है वो चूज करना है। ऑप्शन आर ए पी पी यू, इसकी फुल फॉर्म बताई गई यहाँ पे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, बी एच आई एम भारत इंटरफेस फॉर मनी, यू पी आई यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस एंड बी ई एम एस मीनस बजट एस्टिमेशन एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। में से रॉन्ग बताना है आपको कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यू पी आई यहाँ पे जो है इसका इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे गलत दी गई है, दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस। इसकी जो करेक्ट यहाँ पे फुल फॉर्म है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द अग्निपथ स्कीम। यहाँ पे कौन से मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की अग्निपथ स्कीम। ऑप्शन आर निर्मला सीतारामन, ऑप्शन बी इज श्री यहाँ पे राजनाथ सिंह, उसके बाद ऑप्शन सी इज श्री अमित शाह एंड ऑप्शन डी इज श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स राजनाथ सिंह ने यहाँ पे अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पे मैच आपको करने हैं यहाँ पे जो है कॉलम्स। सबसे पहले यहाँ बताया गया है वीर गार्डियन 2023 किसको मिला, वीर गार्डियन या मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके दरमियान हुई। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दैट्स इंडियन एयर फोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस के दरमियान यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इसे वीर गार्डियन 2023 कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मैच ऑप्शन सी है। उसके बाद वरुणा जो है वरुणा इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच हुई यहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, हुई थी। उसके बाद साइक्लोन फर्स्ट किन के दरमियान हुई, इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी के दरमियान हुई ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद तरकाश 2023 जो एक्सरसाइज हुई वो इंडियन एनएसजी एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस एसओएफ के दरमियान हुई। तो इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको मिलिट्री एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लेने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। ऑप्शन आर भारतीय न्यायालय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय शिक्षाया बिल 2023 और ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ से आपका इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से लास्ट तक फिर 80 क्वेश्चन तक यानी कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए हैं, तो यहाँ से इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश सेक्शन से भी यहाँ पे क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं PDF सेंड कर दूँगा ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और या आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।